नमस्कार, गुड इवनिंग, मैं हूं विक्रांत गुप्ता। आज भारतीय चयनकर्ता बैठे, ये मीटिंग चली 3 घंटे, लेकिन उसके बाद 3 घंटे का इंतजार करना पड़ा क्योंकि टीम जो है उसकी घोषणा शाम को हुई। टीम इंग्लैंड टेस्ट दौरे के लिए और टीम बांग्लादेश में होने वाली वनडे सीरीज के लिए। अब दरअसल वनडे सीरीज की जो टीम है उसकी बात बाद में करते हैं, पहले इंग्लैंड के बारे में आपको बता दें। 5 टेस्ट मैच भारत ने खेलने हैं। 18 सदस्यों की टीम का ऐलान किया गया है। 16 से 17 होते हमने सुना है, दौरे से पहले यहां पर 18 हो गए। वीरेंद्र सहवाग, जहीर खान, हरभजन सिंह, इन तीनों को जगह नहीं मिली। एक बार फिर युवराज सिंह तो टेस्ट टीम से बाहर ही। गंभीर की टीम में वापसी हुई है। गौतम गंभीर टेस्ट टीम में वापस आए हैं तीसरे सलामी बल्लेबाज के तौर पर। 5 टेस्ट मैच खेले जाएंगे इस सीरीज में। धोनी कप्तान है और 6 तेज गेंदबाज भारत ने चुने हैं। 3 स्पिनर्स भी रखे हैं और एक नाम चौंकाने वाला है, वो है सिलेक्टर रॉजर बिन्नी के बेटे स्टुअर्ट बिन्नी का, जिनको T20 का खिलाड़ी माना जाता था। वनडे टीम में उनको जगह मिली, लेकिन इंग्लैंड उन्हें या तो तेज गेंदबाज के तौर पर लेकर जाया जा रहा है या फिर ऑलराउंडर के तौर पर। अब बात करें बांग्लादेश दौरे के लिए, 3 वनडे मैच हैं जून के महीने में। सुरेश रैना इसके कप्तान हैं क्योंकि विराट कोहली, धोनी, रोहित शर्मा, जडेजा, अश्विन, 5ों को आराम दिया गया। युवराज सिंह नहीं है एक बार फिर वनडे टीम में। एशिया कप में जो उनको नहीं चयन किया गया था इनका वनडे टीम में, वो बरकरार है। युवराज सिंह के लिए अब वर्ल्ड कप को लेकर दरवाजे जो है वो बंद होते दिख रहे हैं क्योंकि 5 खिलाड़ी आराम कर रहे हैं और 15 खिलाड़ी चुने गए हैं, उनमें युवराज सिंह का नाम नहीं है। रॉबिन उथप्पा की वापस हुई। मदन जी है हमारे साथ स्टूडियो में, लेकिन इससे पहले कि मदन जी से चर्चा करें आपको टीम से तारुफ करा दें। यह है टेस्ट टीम इंग्लैंड दौरे के लिए। धोनी, शिखर धवन, मुरली विजय, पुजारा, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये सब पहले से टीम में हैं। अजिंक्य रहाणे और गंभीर को मिला है एक बार फिर मौका। रिद्धिमान साहा दूसरे विकेट कीपर, रविंद्र जडेजा, ईशान शर्मा, पंकज सिंह राजस्थान के तेज गेंदबाज को तकरीबन 6.5 साल बाद टेस्ट टीम के साथ जाने का मौका एक बार फिर मिला। अश्विन, स्टुअर्ट बिन्नी, वरुण आरन, मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर, ईश्वर पांडे, अमित मिश्रा, 3 स्पिनर्स हैं इस टीम में। 3 स्पिनर्स हैं इस टीम में और मंजी टेस्ट टीम देखा जाए तो शायद तकरीबन इससे बेहतर नहीं चुनी जा सकती थी। तकरीबन जी हाँ। लेकिन कई सवाल है। 18 खिलाड़ी क्यों, स्टुअर्ट बिन्नी कैसे, ये सवाल समझ नहीं आए। नहीं देखिए, सिलेक्टर कहीं ना कहीं जाकर गलती जरूर कर देते हैं क्योंकि बड़ा सिंपल है, क्योंकि ज़्यादातर खिलाड़ी अपने आप ही सिलेक्ट हो जाते हैं और 1-2 का चयन होता है जिसमें आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है कि किसकी परफॉर्मेंस जो है वो ज़्यादा है डोमेस्टिक क्रिकेट में या करंट फॉर्म में कौन अच्छा चल रहा है। पर देखिए, जैसे आप स्टुअर्ट बिन्नी की अगर बात करें, अगर आप उनको ऑलराउंडर एज ए लिया गया है तो मैं समझता हूँ कि ऋषि धवन, मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छा ऑलराउंडर है इससे। और आपने 2020 में चांस दिया, जैसे आपने कहा 2020 में दिया, वनडे में दिया, ठीक है, पर टेस्ट मैच में चांस देना कि ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है। आप रॉजर बिन्नी के साथ खेले हैं, इंग्लैंड में उनको बड़ी सफलता मिलती थी, वो भी मीडियम पेसर थे, उनको स्विंग मिलती थी, लेकिन रॉजर बिन्नी की जो शख्सियत है किसी विवाद में नहीं पड़ना। जी हाँ जी हाँ। चयनकर्ता होकर अपने बेटे को बार बार टीम में चुनना, वो भी टेस्ट टीम में, ये लड़के का नुकसान है या फिर सिर्फ फायदा ही आप करवा रहे हैं? देखिए, ऐसे नुकसान हो जाता है कई बार, प्रेशर जो है बहुत ज्यादा बिल्डअप हो जाता है लड़के के ऊपर। और मेरे को लगता नहीं है रॉजर बिन्नी, एक मैं उनके साथ काफी खेला हूं और उनको जानता भी बहुत हूं, वो तो काफी चुप रहने वाले हैं, ना ही किसी कंट्रोवर्सी में फंसने वाले हैं और हमेशा उन्होंने हर चीज राइट जिसको है उसको बैकअप किया है। तो ये थोड़ी सी यहाँ पे हैरानी होती है। हो सकता है कि बाकी सेलेक्टर में कई बार ऐसा होता है कि दूसरे जोन का और इस जोन का उसमें बार्गेनिंग भी चला देते हैं, ये तो उसे भी सेलेक्ट होने की ज्यादा चांसेस रहते हैं। और गौतम वही मैं पूछ रहा था, 1.5 साल बाद गौतम गंभीर को इंडिया की जो वाइट्स है वो पहनने का मौका मिलेगा। और गंभीर इन 1.5 सालों में लग रहा था कि यार बोर्ड के सही तरफ नहीं है, वो बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम थी उनको, BCCI को भी, रन भी नहीं बन रहे थे। लेकिन गंभीर के लिए अच्छा मौका है क्योंकि तीसरे सलामी बल्लेबाज के तौर पर जा तो रहे हैं, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं कि नॉटिंगम में जो पहला टेस्ट मैच होगा 9 जुलाई से गंभीर ही ओपन कर रहे हैं। हो सकता है ऐसी कोई बात, क्योंकि उन्होंने ओपन किया हुआ है और
और उन्होंने इस साल अच्छी रणजी ट्रॉफी में भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, पर एक बात तो और यहाँ पे ये है कि ये 5 टेस्ट मैच है, अगर 3 होते शायद ये चांस गौतम गंभीर को ना ही मिलता, पर गौतम गंभीर के लिए ये बहुत अच्छा मौका मिला है, क्योंकि देखिए जब आप दोबारा वापसी करते हैं तो उसमें भी आपको फिर दोबारा एस्टेब्लिश करना पड़ता है। भारत को फिक्र करने वाली जो बात है, फिक्र करने वाली बात ये है कि ईशांत शर्मा खेले हैं इंग्लैंड में, धोनी खेले हैं इंग्लैंड में, हम टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहे हैं, और इंग्लैंड में टेस्ट क्रिकेट गंभीर खेले हैं, ये बड़ी दिक्कत भारत को आ सकती है। देखिए आ सकती है, क्योंकि इसमें 3 ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं और बाकी जो खिलाड़ी हैं उनको उनका जो इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, पर मैं समझता हूँ कि इंडियन टीम जब जा रही है वहाँ पे तो 2-3-4-5 प्रैक्टिस मैचेस भी खेलेंगी, तो उससे थोड़ा सा फायदा हो सकता है अगर प्रैक्टिस मैचेस हैं, इन्होंने प्रैक्टिस मैचेस रखे हैं, दो मैच है, तीन दिन प्रैक्टिस मैच रखे हैं। देखिए उसमें उन्हीं खिलाड़ियों को आप ट्राई कर सकते हैं जो टेस्ट मैच खेलने वाले हैं, पर यह है कि आपको आजकल आपको जल्दी से जल्दी फॉर्म में आना पड़ता है और अच्छा प्रदर्शन भी करना पड़ता है, पर यह है कि एक्सपीरियंस होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इंग्लैंड जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है। टेस्ट टीम तो मैं कह सकता हूँ कि वो काफ़ी अच्छी टीम है उनकी और उनके रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे हैं। आपको हैरानी हुई कि अमित मिश्रा को टीम में जगह नहीं दी गई, क्योंकि हम तो ये सोच रहे थे कि अश्विन चूंकि इंग्लैंड में इतने विकेट नहीं ले पाते हैं और जडेजा को आप स्पेशल स्पिनर के तौर पर नहीं खिला सकते, हमें तो ये लग रहा था कि शायद आप अमित मिश्रा से टेस्ट क्रिकेट में वहां पर शुरुआत करवाएंगे, लेकिन उनका नाम नहीं है। नहीं देखिए इन्होंने किया क्या है कि इन्होंने एक स्पिनर खिलाना है, उनकी जो प्लानिंग है कि 11 में एक स्पिनर खेलेगा और उसके साथ उन्होंने आर अश्विन को खिलाने का उनका ज्यादा इरादा है, इसलिए उन्होंने एक जो बैकअप स्पिनर रविंद्र जडेजा रखा है वो वैसे भी खेलता है, ऑलराउंडर वो खेलता ही है, तो ये उनकी मेरे ख्याल सोच होगी यहाँ पर, इसलिए शायद अमित मिश्रा को उन्होंने ले लिया। ये बांग्लादेश दौरे की वनडे टीम है, सुरेश रैना कप्तान है इसके, सुरेश रैना ने इससे पहले भी कप्तानी की है, इससे पहले भी उन्होंने कप्तानी की, और सुरेश रैना के लिए बड़ा अच्छा मौका है, आईपीएल में उन्होंने रन बनाए हैं और सुरेश रैना को इस यूथ के साथ लबरेज टीम के साथ मौका मिला है, एक युवा टीम के साथ जाने का मौका मिला है, अच्छी परफॉर्मेंस जीत खिलाड़ियों को रिवॉर्ड जरूर मिलता है। इस वक्त कोलकाता और पंजाब के बीच पहला प्लेऑफ मैच चल रहा है और जो इस मैच को जीतेगी टीम वो फाइनल में जाएगी, हारने वाली टीम के पास एक मौका रहेगा क्योंकि हारने वाली टीम खेलेगी जो दूसरा मैच है एलिमिनेटर उसकी जीतने वाली टीम के साथ, लेकिन फिलहाल जो लग रहा है वो ये है कि कोलकाता फाइनल में चला जाएगा और शायद पंजाब को आज हार कर इंतजार करना पड़ेगा। इस वक्त कोलकाता ने पहले बैटिंग की थी, 163 रन बनाए उन्होंने 8 विकेट के नुकसान पर, नीचे वाले बल्लेबाजों ने 13 रन बनाए और हुआ ये कि टारगेट ऐसा 164 जो कि शायद पंजाब के लिए इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन ईडन गार्डन्स की विकेट चूंकि बरसात भी हुई थी और थोड़ा सा गेंदबाजों के लिए मदद भी थी, उसके बाद पंजाब के लिए दिक्कत ये थी कि बरसात पर एक नज़र और दूसरी नज़र थी स्कोरबोर्ड पर। बड़ी टूर्नामेंट जीतने के लिए यू हैव टू पीक एट द राइट मोमेंट, ये कहा जाता है और पिछले 7-8 मैचों को उठाकर देखे पीछे से आई है ये टीम, एक और टीम पीछे से आई है उसका नाम है मुंबई इंडियंस, थोड़ी देर बाद मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स ये एलिमिनेटर वन होगा, यानी कि जो टीम हार गई इस मैच में वो बाहर हो जाएगी, जीतने वाली टीम जो है वो शायद पंजाब के साथ, क्योंकि पंजाब अगर पहला मैच हारेगा तो आज की जीतने वाली जो मुंबई इंडियंस और चेन्नई के बीच टीम जीतेगी वो पहला मैच हारने वाली टीम के साथ खेलेगी उसके बाद फाइनल में जगह बनाने के लिए। चेन्नई या मुंबई हालिया फॉर्म या फिर पूरी टूर्नामेंट? हाँ देखिए उन्होंने बड़ा क्रुशियल एक मैच जीता है, लास्ट मैच जीता है और उन्होंने क्वालिफाई किया 15 ओवर में और मैच भी मुंबई में है जहां पर वो मैच भी मुंबई में है, तो और अगर आप चेन्नई की बात करें तो चेन्नई की टीम जो है बहुत स्ट्रांग है और आज उनको 3 मैच लगातार हारे हैं, 3 मैच हारे हैं पर आज उनको क्रिकेट अच्छी खेलनी पड़ेगी और मुंबई इंडियन भी उनको भी मालूम है कि हमें एक मौका मिला है तो फाइनल कहते हैं कि मतलब जो कुछ होता है किसी मकसद से होता है, मुंबई इंडियंस का यहां तक आना क्या उसके पीछे कोई मकसद था, क्योंकि वो मकसद कोलकाता नाइट राइडर्स के खेल में दिखा है। मुंबई इंडियंस पहले गेंदबाजी करेगा, फिलहाल हमारे पास वक्त इतना ही है लेकिन मैच के बाद आपके सामने एक बार फिर हाजिर होंगे।